जनता पार्टी के लोग करते हैं। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा कि जब दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए 700 किसान मारा गया था, अपने शहीद हो गया था, याद रखिएगा आज भी 700 ऐसे परिवार है जो अनाथ है, जिनका मुखिया इस दुनिया में नहीं है, कौन उनको खाना रहे है। चुनाव में किस तरीके से चरण से आगे बढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा हुजूर समर्थक समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का कर रहा है। हमें ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को परिणाम आ रहे होंगे, जब आप सब लोग एकजुट होकर परिणाम देख रहे होंगे, तो इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लहराती हुई दिखाएगी। अभी कोई पार्टी साथियों से कहूंगा, क्यों परेशान होते हो रोजगार के लिए? तुम लोग मोदी जी ने दिया तुमको रोजगार? नहीं दिया। अरे दिया, नहीं दिया, दिया हटाए चलो। दिन भर जब ये मोदी जी आए थे तो यही मोदी जी कहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री मत समझना, मैं तुम्हारे देश का चौकीदार हूँ। कहे थे कि नहीं कहे थे? आज स्थिति है, देश का हर नौजवान लिया खड़ा है। अभी शाम को 8 बजेगा लाठी और टॉर्च लेके अपने खेत की चौकीदारी करने के लिए तुम्हें भेजने का काम बता दो। किसान साथियों, क्या आवारा पशुओं की समस्या हमारे लिए बड़ी नहीं होती जा रही है? किस तरीके से यही पशु अगर खेत में रहता है तो कुंटलों का अनाज हमारा नष्ट करता है, और यही पशु अगर सड़क पे आ जाए तो परिवार के परिवार नष्ट कर देता है। एक्सीडेंट में कितने नौजवान जाने अपनी जान छोड़ बैठे हैं, लेकिन ये सरकार नहीं सुनती। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता गया है, आप सबने 2014 में भी देखा कितने ढकोसले, कितने वादे करके ये लोग अपने वादे नहीं पूरे कर पाए, और आज मंचों से जब पुराने वादे नहीं हो पा रहे तो अपनी गारंटी की ये लोग बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद करिए वो समय जब जब नेताजी सरकार में आए, आदरणीय अखिलेश यादव सरकार में आए होंगे, सबसे पहला अपनी कलम चला के अगर उन्होंने किया तो किसान की कर्जा माफी करने का काम आदरणीय नेताजी किसानों के लिए खाद उपलब्ध कराई जाती थी, काला बाजारी खाद की नहीं हो सकती थी, तो आज हमें वही समय वापस लाना है। मेरे नौजवान साथियों, आज समय आपकी हमारी जिम्मेदारी का भी है। आज यहाँ जिस जोश से तुम हम खड़े हुए हो, मैं चाहता हूँ उसी जोश से 25 तारीख को अपनी अपनी पोलिंग पे रहना। मैं समझता हूँ यहाँ पे कई लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब अभी मन से भी कहेंगे कि साहब आप यहाँ से लाखों लाख से जीत के जाओगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज सब लोग अगर अपनी अपनी पोलिंग देख लोगे तो लाखों लाख से निश्चित जीत होगी, लेकिन अपनी पोलिंग देखना है। साथ में आखिरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे बूथ के अध्यक्ष जितने यहाँ हो या बूथ के अध्यक्ष नहीं हो तो उन तक मेरा ये संदेश पहुँचाना कि भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रशासन ये प्रयास करता है कि जब वोट पड़ रहे होते हैं, जहाँ हमारे बस्ते लगते हैं, उन बस्तों के प्रशासन जाके डर का भय का माहौल बनाकर बस्ते हटाने का काम करता है। अगर आप लोग 25 तारीख को जब वोटिंग हो, 23 और 24 तारीख को अपनी एक एक पर्ची घर घर तक पहुंचा दोगे तो आपका एक एक वोट आपके पूरी बूथ तक पहुंच जाएगा, एक एक वोट आपका बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि 24 तारीख को अपना कर्म करने के लिए सारी पर्चियां एक एक घर तक पहुंचा देना, एक एक माता हमारी पोर्टाल है। मैं खुद इसका साक्षी हूँ, जब जब लाठी चल रही थी बदायूं में, जिन जिन को लाठी पड़ी ये समझ लेना उन्होंने अपना वोट डाला डाला, अपने पूरे परिवार मोहल्ले को निकाल के वोट डाला है। तो अगर ये प्रशासन लाठी चला रहा है तो समाजवादी पार्टी का ही वोट मजबूत कर रहा है और किसी का वोट मजबूत नहीं कर रहा है। आप सब लोग संघर्षों के साथी हो, मैं आज इस धरती से नेताजी को नमन करता हूँ और यही आपसे आग्रह करता हूँ कि जो रिश्ता आज मैं आज यहाँ जो खड़ा हूँ, दूसरी पीढ़ी आपके सामने खड़ी है, दूसरी पीढ़ी तक जो आपने रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते को और मजबूत करना। हमें आप आशीर्वाद देते हैं, भाई धर्मेंद्र यादव जी को आशीर्वाद देते हैं, अपने इस आशीर्वाद को बनाए रखना। मैं भरोसा दिलाता हूँ हम और हमारे भाई धर्मेंद्र यादव मरते दम तक आपके साथ है और इस आदम के लिए आप सबको आपका हक दिलाने का हम लोग काम करेंगे। कहने को कई सारी बातें हैं,
लेकिन मैं अंत में आप सबका धन्यवाद देता हूँ, इस मंच का, यहाँ के सभी आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आज उसकी याद में समाजवादियों का बनाया, यही और यही युवा को वापस गुजरात भेजने का काम कर रहा है।